दिल्ली में एक नया शानदार रेलवे लिंक बनाया जा रहा है जो कि पहला होगा देश का। ये है स्टेट ऑफ द आर्ट रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। सेमी हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क होगा जिसमें ट्रेन 180 किलोमीटर पर आर की स्पीड से दौड़ेंगी। मॉडर्न और स्टाइलिश ट्रेन होंगी जो पूरी तरह से एलिवेटेड ट्रैक्स पर चलेंगी। RRTS मेट्रो से एक लेवल ऊपर आता है जिसमें इंटरसिटी ट्रैवल किया जाता है ज्यादा स्पीड से और कम स्टेशन के साथ। रीजनल कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए इसे बनाया जा रहा है। इसकी पहली लाइन दिल्ली से मेरठ के बीच चलेगी 82 किलोमीटर और दो लाइन प्लान भी हैं दिल्ली से पानीपत और अलवर तक। दिल्ली से मेरठ का सफर एक घंटे से कम में पूरा किया जा सकेगा जिसमें अभी 1.5-2 घंटे लग जाते हैं आसानी से। 30,000 करोड़ रुपए लगेंगे इसे बनाने में और 1,00,000 व्हीकल्स को रोड से कम करेगा अगले 10 सालों में। स्टेशंस को एयरपोर्ट जैसा हाईटेक बनाया जाएगा और प्रीमियम फैसिलिटीज भी अवेलेबल होंगी जैसे कि वाईफाई, एंटरटेनमेंट सिस्टम, हाई एंड स्टोर्स और स्टेशन के लिए स्पेशल प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर्स। मेरठ को इससे सबसे पहले क्यों लिंक किया जा रहा है, इसका सिंपल सा रीजन है कि ईस्टर्न दिल्ली गाजियाबाद से मेरठ तक की सारा एरिया काफी डेंसली पॉपुलेटेड है। लाखों कम्यूटर्स ट्रैवल करते हैं इस कॉरिडोर में हर रोज। मेरठ एक इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल टाउन है NCR का। हैंडलूम इंडस्ट्री काफी पॉपुलर है इधर की। अभी तक यहाँ आने जाने के सिर्फ दो मेन तरीके थे। पहला था ये 4-लेन हाईवे NH34 और दूसरा ये रेलवे लाइन। हाईवे पीक टाइम्स में कंजेस्टेड रहता है और दिल्ली के बॉर्डर के बाहर ही खत्म हो जाता है। और रेलवे लाइन्स में मल्टीपल ट्रेन्स चलती हैं दिन में मगर वो भी बेस्ट कंडीशन में नहीं होती। इन दोनों से ट्रैवल करने में 1.5-2 घंटे लग जाते हैं। इसी कॉरिडोर को इम्प्रूव करने के लिए NHAI ने एक नया एक्सप्रेसवे भी बनाया दिल्ली से मेरठ तक जिसे 2021 में खोला गया। ये गेम चेंजर था रीजन के लिए। आधा घंटा कम हो गया इससे ट्रैवल करने में, अब 1.25 घंटा ही लगता है मैक्सिमम। एक्सप्रेसवे तो अच्छा हो गया मगर जो लोग प्राइवेट व्हीकल्स अफोर्ड नहीं कर सकते वो अभी भी पुराने तरीके से ही ट्रैवल करते हैं, उनके लिए कोई दूसरा सॉल्यूशन ढूंढने की जरूरत पड़ी। जहां एंट्री हुई RRTS की जो कि रीजनल ट्रांसपोर्टेशन को रेवोल्यूशनाइज कर देगा इंडिया में। दिल्ली NCR में सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन के बाद इसको दूसरी सारी मेजर सिटीज और मेट्रोपॉलिटन एरियाज में बनाने का गेट भी खुल जाएगा जैसे कि दिल्ली मेट्रो के साथ हुआ था। ये दिल्ली में सरायकाले खान से शुरू होगा हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के पास। दिल्ली मेट्रो पिंक लाइन और ISBT से भी इसे यहां लिंक किया जाएगा। आगे यमुना क्रॉस करके न्यू अशोक नगर में मेट्रो की ब्लू लाइन से कनेक्ट होगा। ऐसे ही एलिवेटेड ट्रैक्स पर चलेगा आनंद विहार से थोड़ा पहले तक जहां ये अंडरग्राउंड चला जाएगा थोड़ी देर के लिए। आनंद विहार स्टेशन में मेट्रो की पिंक और ब्लू लाइन के साथ और रेलवे स्टेशन और ISBT से भी कनेक्ट होगा, एक मेजर मल्टी मॉडल हब दिल्ली का। फिर ऐसे टर्न लेके इस रोड के साथ चलेगा, यहां से एलिवेटेड स्ट्रेच फिर शुरू हो जाएगा, सीधा चलेगा आगे और साहिबाबाद स्टेशन बनेगा इधर। राइट लेके रेलवे लाइन के पैरेलल चलेगा फिर गाजियाबाद स्टेशन बनेगा इधर। इसकी हाइट सबसे ऊंची इधर होगी मेट्रो के भी ऊपर से। प्लेटफॉर्म की हाइट 24 मीटर होगी जमीन से और मेट्रो की रेड लाइन से भी कनेक्ट होगा। आगे NH34 के ऊपर चलेगा मेरठ तक। बीच में गुलधर, दुहाई, मुरादनगर और मोदी नगर में भी स्टेशन बनाए जाएंगे। मेरठ साउथ स्टेशन से ये ट्रैक्स मल्टीपर्पज हो जाएंगे क्योंकि यहां मेरठ मेट्रो भी चलेगी इन्हीं के ऊपर। मेरठ में ज्यादा स्टेशन बनाए जाएंगे जिसमें मेट्रो तो रुकेगी मगर RRTS कुछ स्टेशन में ही रुकेगी जैसे कि शताब्दी नगर, बेगमपुर और मोदीपुरम। सेंट्रल मेरठ का इतना सेक्शन अंडरग्राउंड होगा और मेन स्टेशन होगा बेगमपुर। ये होगा पूरा रूट 82 किलोमीटर लंबा। इसमें से 70 किलोमीटर एलिवेटेड और 12 किलोमीटर अंडरग्राउंड होंगे। टोटल 22 स्टेशन होंगे मगर RRTS सिर्फ 14 स्टेशन पे रुकेगी और मेरठ मेट्रो 12 स्टेशन पर। जिन 4 स्टेशन में दोनों रुकेंगी उनमें 3 या 4 प्लेटफॉर्म होंगे, 2 डिपोज और 1 स्टेबलिंग यार्ड भी बनेगा। इसका 17 किलोमीटर का ये एक प्रायोरिटी कॉरिडोर पहले खुल जाएगा जो कि साहिबाबाद से दुहाई तक जाएगा। इसके ट्रायल्स भी चल रहे हैं अभी। पूरा रूट 2025 में खुलने की उम्मीद है। RRTS के 2 और रूट्स की कंस्ट्रक्शन भी शुरू हो गई है। पहला होगा 103 किलोमीटर लंबा पानीपत तक, इसमें 16 स्टेशन होंगे और बीच में कुंडली, सोनीपत और समालखा से होते हुए जाएगा। 21,600 करोड़ रुपए लगेंगे इसमें। दूसरा रूट 164 किलोमीटर का होगा अलवर तक, 18 स्टेशन के साथ। ये गुड़गांव, मानेसर, रेवाड़ी और SNB से होते हुए जाएगा। लगभग 37,000 करोड़ रुपए की कॉस्ट आएगी। इसके एक ब्रांच लाइन बनाने का भी प्लान है जो सीधा सोतानाला तक जाएगी। NCR में कनेक्टिविटी काफी इंप्रूव हो जाएगी इन लाइंस के खुलने के बाद। सेमी हाई स्पीड ट्रेन 180 किलोमीटर पर आर से चलेंगी, मेट्रो से 3 गुना तेज। दिल्ली से मेरठ का डिस्टेंस 1 घंटे के अंदर पूरा हो जाएगा, बाकी मोड से आधा टाइम। 5 मिनट की पीक फ्रीक्वेंसी रखी जाएगी जो कि बसेस और रेलवे से ज्यादा है। मॉडर्न अर्गोनॉमिकली डिजाइन ट्रेन होंगी एरोडायनामिक शेप के साथ। अंदर 2x2 ट्रांसवर्स सीटिंग अरेंजमेंट होंगे एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन जैसे। 30,274 करोड़ रुपए में बनाई जा रही है दिल्ली मेरठ लाइन जिसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। एक स्पेशल पर्पस व्हीकल नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन NCRTC इसको बनवाने का काम कर रही है। ये एक जॉइंट वेंचर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दिल्ली, हरियाणा, UP और राजस्थान के बीच जिसमें 50% स्टेक सेंट्रल गवर्नमेंट का है और बाकी सब स्टेट गवर्नमेंट का 12.5%। जब RRTS जैसा हाई स्पीड, अफोर्डेबल और कन्वीनियंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बनता है तो वो लाखों लोगों के ट्रैवल पैटर्न्स को चेंज करने की क्षमता रखता है। जैसे दिल्ली मेट्रो ने पूरी तरह से दिल्ली NCR का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बदल के रख दिया, वैसे ही अब RRTS करने जा रहा है इस दशक में। स्टेशन के खुलने से आसपास के एरिया की लैंड वैल्यू शूट अप कर जाएगी, नई इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज अराइज होंगी, उन जगहों में भी इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगी जो NCR में थोड़ी पीछे रह गई है। गाजियाबाद के आउटर पार्ट्स और मुरादनगर, मोदी नगर में भी इसका फायदा देखने को मिलेगा। ट्रैवल टाइम्स कम होने से रीजन की ओवरऑल प्रोडक्टिविटी भी
पड़ेगी जब ज्यादा लोग ट्रैवल करेंगे इन रीजन्स के बीच बेहतर अपॉर्चुनिटीज और रिसोर्सेज की तलाश में जैसे एजुकेशन और जॉब्स। इसके मल्टी मॉडल होने से कम्यूटर्स अपनी फाइनल डेस्टिनेशन तक भी पहुंच पाएंगे आसानी से, चाहे वो रेलवे, मेट्रो, बस या रिक्शा से ही हो। इसके अलावा दिल्ली मेट्रो की आपस में कनेक्टिविटी भी बढ़ाएगा, सारे मेजर इंटरचेंज स्टेशन से होते हुए जा रहा है। हाई कैपेसिटी होने की वजह से काफी ट्रैफिक रोड से इसमें शिफ्ट होने के आसार हैं, जिससे रोड कंजेशन में कमी आएगी। NCRTC के अकॉर्डिंग 100,000 व्हीकल्स कम हो जाएंगे रोड से। NH34 ऑलरेडी अपनी कैपेसिटी से ऊपर ऑपरेट कर रहा है काफी टाइम से, क्योंकि सारे मेजर टाउन से गुजरता है। इसीलिए दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को बनाया गया जो इस पूरे रीजन को बाईपास कर देता है। प्राइवेट व्हीकल के कम होने से फ्यूल कंजम्पशन और पॉल्यूशन भी कम होगी। ये स्पेशली इंपॉर्टेंट है दिल्ली NCR के लिए, जिसकी सारी सिटीज का नाम दुनिया की सबसे पॉल्यूटेड सिटीज की लिस्ट में आता रहता है बार बार। और क्योंकि RRTS फुली इलेक्ट्रिक है तो इसलिए हर साल 2.5 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कम होंगे NCRTC के माने तो। नए टाइप के बैलेस्टलेस ट्रैक्स भी यूज हो रहे हैं, जिसमें तेज स्पीड में भी राइडिंग कंफर्ट मिलेगा। स्टैंडर्ड गेज ट्रैक्स इस्तेमाल होंगे, जो कि कॉमन है इंडियन मेट्रोज में। रोलिंग स्टॉक भी स्पेशली डिजाइन किया गया है लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के साथ, लेटेस्ट सिग्नलिंग और कंट्रोल सिस्टम के अलावा इसमें हाई एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन की कैपेबिलिटी भी होगी। ओवरहेड ट्रैक्शन की मदद से 25 kV AC करंट पर चलेंगी ट्रेन्स। रोलिंग स्टॉक बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक फ्रेंच मल्टीनेशनल कंपनी एस्टम को दी गई है। उनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है गुजरात में, जहां 210 कोचेस बनाए जा रहे हैं इसके लिए। इसमें 30 RRTS ट्रेन सेट्स होंगे 6 कोचेस के, और 10 मेरठ मेट्रो की ट्रेन होंगी 3 कोचेस के साथ। 2,500 करोड़ का एग्रीमेंट हुआ है एस्टम के साथ, जिसमें 15 साल की मेंटेनेंस भी शामिल है। RRTS की एक ट्रेन में 1500 से 1700 पैसेंजर्स ट्रैवल कर पाएंगे एक साथ। फ्यूचर में कोचेस को बढ़ाकर 9 भी किया जा सकता है राइडरशिप के हिसाब से। NCRTC के अकॉर्डिंग 800,000 पैसेंजर्स हर रोज इसका इस्तेमाल करेंगे। मेरठ में ट्रैक्स के मल्टीपर्पज होने से मेट्रो रेल लगभग 6,300 करोड़ रुपए बचा पाएगी कंस्ट्रक्शन में। बस स्टेशन को छोड़ के बाकी रूट डबल ट्रैक ही होगा। शेड्यूलिंग ऐसी की जाएगी कि RRTS को ही प्रायोरिटी मिले। 2019 में कंस्ट्रक्शन शुरू हुई और पूरा रूट 2025 तक कंप्लीट हो जाएगा। जो अलवर और पानीपत वाले रूट्स भी बन रहे हैं, उनमें RRTS इंडस्ट्रियलाइज्ड एरिया से होते हुए जाएगा, जैसे कुंडली, सोनीपत, मानेसर और बावल। तीनों कॉरिडोर सराय काले खान से ही शुरू होंगे, जो कि सीमलेस ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करेगा। कम्यूटर्स अलवर से पानीपत और मेरठ भी जा पाएंगे इजिली। क्विक और कन्वीनियंट कनेक्शन मिल जाएगा। दिल्ली NCR की ग्रोथ तेजी से हुई है इंडिपेंडेंस के बाद से। 1951 में पूरे रीजन की पॉपुलेशन थी 14 लाख, जो कि आज 2.5 करोड़ से भी ज्यादा है, यानी 17 गुना से बढ़ गई 70 सालों में। आज NCR दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मेट्रोपॉलिटन एरिया है टोक्यो के बाद। दिल्ली में अर्बनाइजेशन भी स्पीड से हुई है। जहां 1951 में 16% लोग अर्बन एरियाज में रहते थे, वहीं आज 97% रहते हैं। एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटी कम होकर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और सर्विस इकोनॉमी बढ़ी है। नए रेजिडेंशियल एरियाज और बिजनेस पार्क्स भी बने हैं। सबसे फेमस है गुड़गांव साइबर सिटी। आज दिल्ली सिटी की GDP 16 लाख करोड़ रुपए है, इंडियन GDP की 6%। इसमें सैटेलाइट सिटीज मिला लो तो GDP इससे भी ज्यादा हो जाएगी। इकोनॉमी की ग्रोथ बरकरार रखने के लिए भी ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को लगातार इंप्रूव करने की जरूरत पड़ती रहती है। सब सिटीज के अपने सेंटर्स बन गए और धीरे धीरे इंटरसिटी ट्रैवल बढ़ने लग गया कार्स और बाइक्स के वाइड स्प्रेड अडॉप्शन से। लोग अपनी वर्क प्लेसेस से दूर रहकर हर रोज ट्रैवल करने लग गए कई किलोमीटर। 2007 में दिल्ली बॉर्डर्स को डेली क्रॉस करने वाली व्हीकल्स 11 लाख से ज्यादा हो गई थी और कंटिन्यूअसली ग्रो कर रही हैं। उसके लिए मल्टीपल एलिवेटेड रोड्स और एक्सप्रेसवेज बनाए गए हैं, जैसे दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे, दिल्ली फरीदाबाद स्काईवे, DND फ्लाईवे, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। रेल बेस्ड रीजनल डिमांड पर ज्यादा काम नहीं किया गया था कुछ दिल्ली मेट्रो लाइंस को छोड़ के। 2032 तक NCR में 17 लाख डेली कम्यूटर्स हो जाएंगे एक स्टडी के अकॉर्डिंग। इसको सॉल्व करने का RRTS से बढ़िया तरीका नहीं था। इसकी कंस्ट्रक्शन में कई चैलेंजेस आए हैं। आनंद विहार स्टेशन को बनाना काफी डिफिकल्ट साबित हुआ, क्योंकि यहां ऑलरेडी 2 एलिवेटेड मेट्रो स्टेशन प्रेजेंट हैं। अंडरग्राउंड स्टेशन को पिलर से दूर रखना पड़ा ताकि उनकी फाउंडेशन कमजोर ना हो जाए। ऑफिशियल्स के अकॉर्डिंग पहले इसको एक एलिवेटेड स्टेशन बनाने का ही प्रपोजल रखा गया था, मगर वो थोड़ा दूर हो जाता लोगों के लिए। 150-200 मीटर चलना पड़ता ट्रांसफर के लिए, इसलिए इसको चेंज करके अंडरग्राउंड कर दिया गया। 1.5 साल वेट करना पड़ा इस एरिया के लिए। यहाँ बस टर्मिनल और स्टेशन एंट्री का थोड़ा एरिया लिया RRTS ने और खुदाई शुरू की। वैसे तो यूजुअली अंडरग्राउंड स्टेशन 2 लेवल नीचे होते हैं ग्राउंड से, लेकिन यहाँ एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स को अवॉइड करने के लिए इसे सिर्फ 1 लेवल नीचे बनाया जाएगा और कॉन्कोर्स ग्राउंड लेवल पर ही होगा। इससे एक फायदा तो जरूर होगा कि पैसेंजर्स को ज्यादा सीढ़ियां नहीं चढ़नी पड़ेंगी और चलना भी कम पड़ेगा, स्पेशली सीनियर सिटीजंस और फिजिकली चैलेंज्ड को। यहाँ पर होल बनाकर एक 90 मीटर लंबी टनल बोरिंग मशीन TBM को अंदर डाला गया एक्सकवेट करने के लिए। पूरे रूट में 4 ऐसी TBMs यूज की जा रही हैं, जिसका नाम रखा गया है सुदर्शन। गाजियाबाद स्टेशन भी काफी चैलेंजिंग था इंजीनियर्स के लिए, क्योंकि यहां RRTS को ना सिर्फ बिजी हाईवे के ऊपर से बल्कि मेट्रो रेड लाइन के एलिवेटेड वायाडक्ट के भी ऊपर से जाना था। ये एक इंपॉर्टेंट रोड जंक्शन है जहां 2 मेन हाईवेज मिलते हैं। इसी गोल चक्कर के बीच स्टेशन बन रहा है और मेट्रो के शहीद स्थल स्टेशन से कनेक्ट होगा एक फुट ओवर ब्रिज की मदद से। टॉलेस्ट पार्ट है पूरे RRTS का, इसके लिए 20 मीटर ऊंचे पिलर्स बनाए गए हैं। RRTS के इन तीनों रूट बनने के बाद NCRTC कुछ और रूट भी बना सकती है। इनमें से कुछ तो उन्होंने प्रपोज भी किए हैं और कुछ की फिजिबिलिटी स्टडी चल रही है।
एक सबसे इम्पोर्टेंट रूट हो सकता है दिल्ली से फरीदाबाद, बल्लभगढ़ और पलवल तक, दूसरा बहादुरगढ़ से होते हुए रोहतक तक, तीसरा नोएडा और ग्रेटर नोएडा से पास करते हुए जेवर तक जहां एक नया एयरपोर्ट बन रहा है, और चौथा हो सकता है गाजियाबाद से हापुड़ तक। दिल्ली के अलावा इसे दूसरे मेजर मेट्रोपॉलिटन एरियाज में भी बनाया जा सकता है, जैसे मुंबई से नवी मुंबई तक, थाने से होते हुए भिवंडी और कल्याण तक, मीरा भयंदर से होते हुए वसई विरार तक, बैंगलोर में सिटी से होसुर तक, मांड्या से होते हुए मैसूर तक, और नॉर्थ में एयरपोर्ट तक भी बनाया जा सकता है इसे। ये दोनों सिटीज तो सिर्फ सजेशंस थी, मगर हैदराबाद में इस पर काफी इंटरेस्ट भी दिखाया है। तेलंगाना गवर्नमेंट के कुछ ऑफिशियल्स ने दिल्ली आके NCRTC के मॉडल को स्टडी भी किया। दो रूट्स प्रपोज किए हैं इन्होंने, हैदराबाद से वारंगल और विजयवाड़ा तक। लेकिन ये एक मेट्रोपॉलिटन एरिया का पार्ट नहीं है, रूट्स की लेंथ 150 और 270 किलोमीटर की होगी, तो ये इंटरसिटी कम्यूटर रेल ही मानी जाएंगी, हाई स्पीड वाली। केरला और ओडिशा ने भी थोड़ा इंटरेस्ट दिखाया है। देखा जाए तो हर मेजर मेट्रो एरिया ओवरबर्डन ट्रेन्स और सबर्बन रेल से जूझ रहा है। RRTS एक बेस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है इन सिचुएशंस में। यही इश्यूज पहले दुनिया की दूसरी सिटीज भी फेस कर रही थी, जैसे कि पेरिस, तो उन्होंने एक अनकन्वेंशनल रेल लाइन बनाई 1977 में, जिसको नाम दिया RER, रूसो एक्सप्रेस रीजनल। इसका एग्जैक्ट ट्रांसलेशन है रीजनल एक्सप्रेस नेटवर्क, और ये दुनिया की पहली रैपिड रीजनल ट्रांजिट बन गई। इसमें उन्होंने मेट्रो और कम्यूटर रेल के फीचर्स का एक हाइब्रिड बना दिया, जिसमें ये सिटी सेंटर में तो एक एक्सप्रेस मेट्रो की तरह काम करेगी और सिटी के बाहर इंटरसिटी ट्रेन की तरह, लेकिन ज्यादा स्टेशंस के साथ। आज इसमें 5 ऑपरेशनल लाइंस हैं, ABCD और E, जिनकी मल्टीपल ब्रांचेस फैली हुई हैं हर जगह, सिटी के साथ ही पूरे रीजन को आपस में कनेक्ट करती है। 587 किलोमीटर की टोटल लेंथ और 190 करोड़ पैसेंजर्स को कैरी करती है हर साल। ये सिस्टम इतना सक्सेसफुल हुआ कि दूसरी कंट्रीज ने भी इसे अपनाना शुरू कर दिया, जैसे लंदन में क्रॉस रेल जो पिछले साल ही खुली है। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।